टीसा के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। टीसा जो होता है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, यानी एक तरीका है जिसमें हम विदाउट इजैक्युलेशन, जब जिन पुरुषों में सीमन में स्पर्म नहीं आ रहे, शुक्राणु नहीं आ रहे या कीटाणु नहीं आ रहे, उनमें डायरेक्टली गोलियों में से, टेस्टिस में से सुई डाल के स्पर्म्स को ले सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्टा प्रोसीजर है, ये उन लोगों में किया जाता है जिनके अंदर एजोस्पर्मिया होता है, या फिर जो भी सीमन थोड़ा बहुत स्पर्म्स दिखा रहा है वो काफ़ी ख़राब स्पर्म्स हैं, उनको हम बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो डेड हैं या उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या उनके अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसकी वजह से जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा आ गया, यानी इसको हम डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो सारे डैमेजेस स्पर्म में हो जाते हैं, इनको बाईपास करने के लिए सबसे आसान तरीका जो बताया गया वो ये है कि हम सीधे स्पर्म्स को टेस्ट से ही निकाल सकते हैं जहाँ पे वो अभी उग ही रहे होते हैं या अभी बड़े ही हो रहे होते हैं, और आमतौर पर यहाँ से हमें सबसे हेल्दी स्पर्म्स जिनके अंदर सबसे कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो वो हमें मिल सकते हैं। तो जो टेस्टा का प्रोसीजर है इसको करने के लिए सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी कि एक सुन की एक छोटी सी सुई लगा के, क्रीम लगाने के बाद और फिर कॉर्ड में ब्लॉक देने के बाद हम एक सुई टेस्टिस में डाल के उस सुई से कुछ टेस्टिस का जो अंदर का टिब्यूल है, जिसको हम सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इस टिब्यूल को फिर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि जो आपके बेबी को बनाएंगे वो साइंटिस्ट, अपनी IVF लैब में इस ट्यूब्यूल को पूरा विच्छेदन करके उसमें से स्पर्म ढूंढ के उन स्पर्म्स को अलग से फ्रीज करके रख सकते हैं, या फिर उनको एक के साथ मिला के आपका एम्ब्रियो या बेबी बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है यूजुअली ये 5-10 मिनट लेता है। अगर बहुत दिक्कत आ रही है स्पर्म्स लेने में तो बहुत बार हमें अलग अलग साइट से, गोलियों में से ये स्पर्म्स का सैंपल लेना पड़ता है, और जब भी हमें एडिक्वेट नंबर ऑफ स्पर्म्स मिल जाते हैं तो इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन में कोई चीरा या कोई टांका नहीं आता दोस्तों, सिर्फ एक नीडल का एक छोटा सा होल होता है, और एक ही होल से हम टेस्टिस के अलग अलग हिस्सों में जाके उनके स्पर्म्स को या ट्यूबुल्स को निकाल सकते हैं। आमतौर पे जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो एक छोटी सी पट्टी और एक स्क्रोटल सपोर्ट, यानी एक टाइट अंडरवेयर डाला जाता है मरीज को, जो 2-3 दिन के लिए मरीज को डालना होता है। इसके बाद वो अपने सभी रूटीन काम ईजिली कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना हो, खाना खाना हो, इसमें कोई भी परहेज नहीं रखने होते। आमतौर पे जो रिपोर्ट हम भेजते हैं स्पर्म्स निकल जाने के बाद वो 7-10 दिन में मरीज़ के पास आ जाती है, और टेस्टा का इसलिए एक डायग्नोस्टिक वैल्यू भी है, यानी कि एक तो इसको स्पर्म्स निकालने के लिए करते हैं और बहुत बार सिर्फ ये देखने के लिए किया जाता है कि टेस्टिस के अंदर चल क्या रहा है, तो इसको हम कई बार टेस्टिकुलर एफएनएस या टेस्टिकुलर बायोप्सी का नाम दे देते हैं रादर देन टेस्टा, बिकॉज इसमें हम स्पर्म्स को नहीं निकाल रहे, टेस्टिकुलर टिश्यू को निकाल रहे हैं, यानी हम इसको जांच के लिए भेजेंगे, माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है और पता किया जाता है कि एक्चुअली अंदर स्पर्म्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर कोई स्पर्म उस समय मिलता है तो साथ साथ उसको फ्रीज कर लेते हैं, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, और उससे हम इन स्पर्म्स को स्टोर कर सकते हैं आगे फ्यूचर यूज़ के लिए, आपके बेबी को बनाने के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि टेस्टा प्रोसीजर के बारे में जो हमने आज आपको जानकारी दी है इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई सवाल हो इससे संबंधित तो ज़रूर हमसे पूछिए।